नमस्कार, आईपीएस डायरी में आपका स्वागत है। कल हमने देखा कि रवि और उसके परिवार वाले जब घर आते हैं तो पाते हैं सूरज सिंह घर से गायब हैं। उनकी गुमशुदगी की खबर सुनकर रवि के साले घर आते हैं और सब मिलकर सूरज को ढूंढने में जुट जाते हैं। सूरज के गायब होने पर उसे धमकी देने वाला रघुबीर सिंह शक के दायरे में आ जाता है। आइए देखें आगे क्या होता है। माँ जी, अगर आप ही धीरज खो देंगे तो हमारा क्या होगा? चिंता मत कीजिए, पापा जी सही सलामत घर आ जाएंगे। क्या हुआ, कुछ पता चला पापा जी का? पूरा गांव छान मार लिया, पर पापा को कुछ पता नहीं चला। हमें जितना प्रयास करना था हमने करके देख लिया। अब बस एक ही चारा है, हमें पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। ये सब उसी रघुवीर का किया धरा है। वही अपने घर के सामने से रात को जा रहा था। जीजा जी, हमें जल्दी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मौके का फायदा उठाकर रघुवीर के भाग निकले। हमें तुरंत पुलिस थाने जाना चाहिए। हाँ, अब देर करने से क्या फायदा, पुलिस अपने तरीके से पापा जी को आखिर ढूंढ ही लेगी। चले, वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे? ठीक है, चलो चलो। अच्छा सूरज सिंह जी, ये वही है ना जिनका रघुवीर के साथ पैसों को लेके विवाद चल रहा था? कब से गायब है वो? सर, उन्हें गायब हुए 14 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गए हो, आप लोगों को पता नहीं हो? सर, उन्हें अच्छा भला हम घर पे छोड़कर एक रिश्तेदार के गए थे। हम लौटे तो देखे तो पापा नहीं थे। पर वो रघुवीर ना घर के आसपास ही मंडरा रहा था, हमें उसी पे शक है। रघुवीर? हाँ, ये रघुवीर कल ही जेल से रिहा हुआ है जमानत पे, और उस रघुवीर ने मेरे सामने ही सूरज सिंह जी को जान से मारने की धमकी भी दी। जिस दिन बाहर आया ना, उस दिन तेरा खेल खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब उसी ने ही किया है। प्लीज आप उसे गिरफ्तार कर पापा का पता लगाइए, पता नहीं पापा किस हाल में होंगे। पानी पी, तुम चिंता मत करो। अगर सूरज सिंह को गायब करने के पीछे रघुवीर का हाथ है तो यकीन मानो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी रघुवीर को। कसम से कह रहे हैं सरकार, हम कुछ नहीं जानते। बता क्या हुआ था? हाँ, हम धमकी दिए थे, गुस्से में आके धमकी दे दिए थे। इसके अलावा हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है थाने में। सरकार हमें जाने दीजिए, हम कुछ नहीं किए, हमें माफ कर दीजिए सरकार। ये कुछ बता नहीं रहा है, लगता है इस केस का कोई दूसरा सिरा ढूंढना होगा। हवालदार? जी सर। बगैर किसी सबूत के इसे हम लॉकअप में रख नहीं सकते, जाने तो इसे, लेकिन हाँ इस पे नजर रखना। जी सर। कुछ ना कुछ तो जरूर हाथ लगेगा। रघुवीर सिंह से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को ना तो कोई सुराग मिला, ना ही सूरज सिंह के बारे में कोई जानकारी। पुलिस दिन रात रघुवीर पर नजर रखे हुए थी, और इधर हर बीतते दिन के साथ सूरज के परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उठो रवि, आज तुम थाने गए थे ना, पापा जी के बारे में कुछ पता चला? अभी तो कुछ पता नहीं चला, पर इंस्पेक्टर सर बोल रहे थे कि वो जल्दी पता लगा लेंगे। भगवान करे सब ठीक ही हो, पापा जी सही सलामत घर वापस आ जाए। अच्छा चलो, तुम उतरो बेड से। अरे क्यों उतरो बेड से? मैं, मुझे दीवान में से कंबल निकालना है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे कंबल मल नहीं चाहिए, तुम सो जाओ। अरे मैंने कहा ना तुम सो जाओ। देखो मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, और पापा के घूम होने की वजह से मुझे भी कुछ तकलीफ हुई है, तो तुम समझने की कोशिश तो करो।
बदबू कैसी आ रही है? लगता है बेड के नीचे कोई छिपकली या चूहा मर गया है। आप रुको, मैं देखती हूँ। अरे कोई बदबू भी नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। अच्छा तुम्हें बदबू आ रही है ना, एक काम करते बिस्तर हम दूसरे का लगा लेते। रहने दीजिए, सो जाते हैं, कल देख लेंगे। तेरे पापा का अभी तक कुछ पता नहीं चला और तू यहाँ आराम से बैठ के पेपर पढ़ रहा, कुछ करता क्यों नहीं? तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आखिर पुलिस तो ढूंढ रही है ना। पुलिस क्या खाक ढूंढ रही है? अभी तक कुछ पता नहीं चला और बेटा है कि उसे कोई फिक्र नहीं। पापा ठीक कहते थे, नालायक। माँ समझती क्यों नहीं है, जब पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो मैं क्या करूं? और पता नहीं उस रघुवीर को क्यों उन्होंने छोड़ दिया। पता नहीं वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो इस घर में एक मिनट के लिए भी चैन नहीं है। माँ मैं तो कहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मौसी के चले जाओ और सुजाता को भी लेके चले जाना। तुम अपने पापा को ढूंढने के बजाय हम दोनों को यहाँ भगाने पर तुला हुआ है। वो सचमुच तुझे नालायक बोलते थे ना, तू नालायक है। अरे तो करूँ क्या, आपने रो रो कर मुझे भी परेशान कर दिया है। दो दिनों से देख रही हूं कि तुम कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हो। जब से पापा जी गायब हुए कुछ अलग सा बिहेवियर हो गया है तुम्हारा, ऐसा क्यों? अरे ऐसी कुछ बात नहीं है। बात बात तो जरूर है, वरना तुम पहले मुझसे ऐसे हर बात पर लड़ाई नहीं करते थे। और एक तो परफ्यूम क्यों छिड़क रखा है कमरे में? अरे तुमने तो कहा था कि रूम में बदबू आ रही है, चूहा छिपकली मारा है। हे भगवान, अजीब पागलपन है। चूहा या छिपकली मरी है तो यूं परफ्यूम छिड़कने से क्या होगा? उसे कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा ना। देखो मुझे अपना काम करने दो, समझे? और तुम भी अपना काम करो, चलो जाए से। ये क्या पागलपन है रवि? क्या पागलपन? हाँ ये मेरा पागलपन है, समझी? मैंने कहा ना तुमको जाए से, तो समझते नहीं? चलो रवि। नहीं तुम चलो, हाथ छोड़ो। चलो रवि, निकलो ऐसे। तुम, मैंने कहा मेरा हाथ निकलो ऐसे। चलो निकलो ऐसे। क्या कर रहे हो? निकलो। ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी के साथ इस तरह पेश आया जाता है? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। ये भी जाएगी और आप भी जाएंगे इसके साथ, समझे? चलो निकलो ऐसे तुम लोग। मैंने कहा निकलो ना ऐसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई अपनी माँ को इस तरह घर से निकालता है क्या? अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता मैं, समझे? जब पहुंच जाएंगे ना बता दूंगा मैं तुमको। मैं अब मुझे अकेला छोड़ दो, निकलो से। चलो सुजाता, पागल हो गया है, इसके सर पे पागलपन सवार हो गया है। चलो यहाँ से। दोपहर से शाम हो गया लेकिन एक बार भी हम लोगों को देखने तक नहीं आया। देखना तो दूर की बात है माँ जी, एक फोन तक नहीं किया उन्होंने। क्या हो गया उसे अचानक? ना तो माँ की चिंता है और ना बीवी की। ऐसा बेटा होने से तो अच्छा है बेटा ना होना। और मैं अपनी बहन के यहाँ जाकर क्या कहूंगी उसे? सच्चाई तो बतानी होगी माँ जी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। मेरे पति के गायब होने की सदमा क्या कम था जो अब बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया हम लोगों। कितने लाड प्यार से पाला था उसे और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसे। मुझे दीवान में से कंबल निकालना है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे कंबल मल नहीं चाहिए, तुम सो जाओ। लगता है बेड के नीचे कोई छिपकली या चूहा मर गया है। अच्छा तुम्हें बदबू आ रही है ना, एक काम करते बिस्तर हम दूसरे का लगा लेते।
मैं तो कहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मौसी के चले जाओ और सुजाता को भी लेके चले जाना। जब से पापा जी गायब हुए कुछ अलग सा बिहेवियर हो गया है तुम्हारा। निकलो ऐसे तुम लोग। मैंने कहा निकलो ना ऐसे। क्या सोच रही है तू? अनायास तो कुछ नहीं होता माँ जी, कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है। रुको, मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन करती हूँ। जब तू बच्चे की नहीं तो फोन कहाँ से करेगी? अब तू कहीं काम से चल। इंसानियत का कत्ल किया है तुमने, बाप बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया है, अपनी हाथों से अपनी मां का सुहाग मिटाया तुमने। कैसे बेटे हो तुम बताओ, बताओ ये कैसे हुआ था? कैसे किया तुमने ऐसा बताओ? कैसे कि अपने बाप की हत्या? जब हम मौसी तुम आ गए? पापा आप दवाई लेना भूल जाते हो, इसीलिए मैं आ गया। एक काम करो, आप पानी लीजिए, तब तक मैं आपको दवाई देता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है पापा। कमाल है, सिर्फ दवाई के लिए आ गया मेरा बेटा। जुग जुग जियो। लो बेटा दवाई दे दो। पापा ये रही आपकी दवाई। अच्छा बेटा मैं सोने जा रहा हूँ।
तुम? हाँ, मैं। मैंने तो तभी तो लाश को ठिकाने लगा लिया होता, लेकिन मुझे माँ और सुजाता को लेके जाना था। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने लाश को दीवान में डाल दिया। ताकि सही समय पर सबकी नजर से बचकर तुम लाश को ठिकाने लगा सको। हाँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। यह लाश से इतनी बदबू आ रही थी कि मुझे परफ्यूम छिड़कना पड़ा। और लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुझे माँ और सुजाता को बाहर भेजना भी जरूरी था। ये भी जाएगी और आप भी जाएंगे इसके साथ, समझे? चलो निकलो ऐसे तुम लोग। मैंने कहा निकलो ना ऐसे। पर ऐसा कोई मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, तो तुमने हमें इसलिए घर से बाहर भगाया था ताकि तुम? छी, घिन आती है मुझे तुमसे। फिर क्या हुआ? फिर मैं जैसे ही पापा की लाश को ठिकाने लगे जा ही रहा था, ये आ गई और मैं पकड़े गए। सही किया मैंने। काश मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाता, काश मैं उस दीवान को खोल लेती, तुम्हारा पर्दा आखिर उसी दिन फाश हो चुका होता। आखिर तुमने पापा जी की हत्या क्यों की? पापा जी की हत्या क्यों की? मैं अपने पापा को भगवान से कम नहीं समझता था। वो हमेशा मेरे मजाक उड़ाते थे। अरे ऐसा करने के लिए असली घी खाना चाहिए। देख मेरे मसल्स। पापा जी आज भी बिल्कुल जवान हैं। नालायक, बदतमीज। शांत हो जाइए। घर में इतनी खूबसूरत बीवी बैठी है, इसको क्या घर पे सड़ने के लिए छोड़ देगा? हम सब लोग जा रहे हैं। अरे तो सुजाता को यहाँ छोड़ दो। दुल्हन आज बहुत खूबसूरत लग रही है। भाई हमारे जमाने में भी ऐसी दुल्हन होती तो क्या बात थी। जब तक शादी भी नहीं हुई मैं सब कुछ सहता रहा, पर उसके बाद क्या? जब भी वो मेरे पत्नी के सामने आते, हंसी मजाक करते या उसकी खूबसूरती की तारीफ करते, खून खोल उठता था मेरा। तो क्या तुम मेरे और पापा जी के रिश्ते पर शक करते थे? हाँ हाँ, मैं यही समझता था। तुम्हारे पापा जी के बीच में जो भी रिश्ता था उसी कारण मैंने पापा को मारा। चुप कर, तू एकदम चुप कर। तुझे ऐसे सोचते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई? हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसी हत्यारी औलाद को हमने 9 महीने कोख में पाले? अगर पता होता तो तुझे पैदा होते ही मार देती, तो आज ये दिन देखने न पड़ते। तुम्हारी जैसे इंसान से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी नरक बना ली। तुमने मेरे और पापा जी के रिश्ते को इस नजर से देखा? हे भगवान, इंस्पेक्टर साहब,
इसकी मां होकर मैं कहती हूं कि इसे फांसी पर लटका दीजिए। ऐसी सजा दीजिए कि आज के बाद कोई किसी का बेटा इस तरह के कदम उठाने के लिए हजार बार सोचे। ले जाओ। चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने। हवलदार, बयान लो इसका। अहम इतना बड़ा हो सकता है क्या कि अपने माँ बाप को ही निगल जाए? पर ऐसा ही हुआ झारखंड के रवि के साथ। माना कि उसके पिता का रवि को बात बात पर टोकना, उसे नालायक कहना रवि को दुख देता था, पर उसकी माँ पिता की इस कमी को रोक तो रही थी, उसकी पत्नी भी उससे प्यार करती थी, पर रवि का तो अहंकार और डर ही जग गया। वो मुकाबले में आ गया कि कहीं उसकी पत्नी रवि से ज्यादा उसके पिता से ना प्रभावित हो जाए। डर ने शक्ल ले ली शक की कि ऐसा ही हो रहा है। इस शक से निजात पाने की बजाय रवि के अहम ने उसे अपने पिता से निजात पाने के लिए उकसा दिया। दोस्तों, आज मैं ये नहीं कहूंगी कि सतर्क रहिए गुनहगारों से, मैं कहूंगी कि सतर्क रहिए अपने अहम से, अंदर के डर से, शक से। ये हमें भी सताते हैं और हमारे करीबी लोगों को भी। अरे थम जा रे बंदे की कुदरत हंस पड़ेगी। इस वादे के साथ कि मैं कविता चौधरी फिर हाजिर होंगी अपनी डायरी से, हमारी जीवन से जुड़ी एक नई कहानी के साथ, मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।